F1 प्रेस करेंगे तो एक्सेल हेल्प खुल जाता है इसमें। इसमें टाइप करेंगे लिमिट्स, तो एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स आ जाता है। इसमें कुछ एक्सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि वर्कशीट का साइज कितना है, कॉलम विड्थ कितना है, रो हाइट कितना है, आप कितना फिल्टर में कितना डाटा यूज कर सकते हैं, इस तरह के जो लिमिटेशन है या स्पेसिफिकेशन है एक्सेल की, वो इसमें आपको मिल जाती है हर तरह की। क्या डेट्स हम यूज कर सकते हैं, कितने नंबर यूज कर सकते हैं, मतलब इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जनरली वो हमें लिमिट्स एंड स्पेसिफिकेशन में मिलती है। इसके बाद देखते हैं शॉर्टकट्स। देखिए शॉर्टकट्स मोस्टली क्या होता है कि हमें जब हम माउस को किसी भी आइकॉन पे ले जाते हैं तो जिसका शॉर्टकट अवेलेबल होता है वो हमें दे देता है, ठीक है जी। जैसे इटैलिक के लिए कंट्रोल आई दिखा रहा है, तो कुछ का तो यहाँ पता लग जाता है, बट कई चीजें हैं जैसे हमें बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ऑल बॉर्डर्स मैंने अप्लाई करना है तो ये होम टैब के अंदर है, इसमें हम अपने कंप्यूटर से ऑल्ट की प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करके छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जब मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ गए, जैसे होम टैब के लिए H आ गया, इंसर्ट के लिए N आ गया, पेज लेआउट के लिए P आ गया, ठीक है जी। अब इस की को जब आप दबाएंगे कीबोर्ड से, अब जब मैं H प्रेस करता हूं तो इस टैब से रिलेटेड और जितने भी फंक्शंस हैं उनके आगे भी एक कीवर्ड आ गया। तो मैं बात कर रहा था बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर के लिए मेरे पास B आ चुका है, तो मैंने B प्रेस किया तो ये बॉर्डर्स की लिस्ट खुल गई। अब ऑल बॉर्डर्स में इसमें क्या है, A है, A कीवर्ड है, तो A दबाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या शॉर्टकट हो गया, ऑल्ट HBA, ठीक है जी। देन मर्ज इन सेंटर की बात करते हैं, मर्ज इन सेंटर में ऑल्ट प्रेस करके छोड़ेंगे, H आया, H मार्जिन सेंटर में, M आ गया, M फिर मार्जिन सेंटर में, C आ गया, C क्या हो गया, मार्जिन सेंटर का ऑप्शन अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फिल्टर लगाना है तो फिल्टर कहाँ पे है, हमारे पास डेटा में जाके यहाँ पे है फिल्टर, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट डेटा के लिए क्या आ रहा है A और फिल्टर के लिए क्या आ रहा है T, ठीक है जी। ये फिल्टर अप्लाई हो गए, दोबारा ऑल्ट AT दबाऊंगा तो ये हट जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग थोड़े बहुत शॉर्टकट्स पता लगा सकते हैं। जैसे ऑफिस में डेली हम वर्क करते हैं तो उसमें ये चीज सजेस्टेड है कि आप थोड़ी देर के लिए माउस को साइड में रखें और ऑल्ट की के जरिए इनको एक्सेस करने की कोशिश करें। 2-3 बार जब आप एक्सेस करेंगे अपने आप हैबिट में आ जाएंगे और आपको शॉर्टकट्स लगने लग जाएंगे आपके। शॉर्टकट्स बेसिकली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारी कीबोर्ड टाइपिंग जो है माउस ऑपरेटिंग से ज्यादा होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो इसलिए जब आप शॉर्टकट यूज करते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और जब दूसरे लोग देखते हैं तो वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑल्ट की से एक शॉर्टकट मैंने बताया। दूसरा है डायलॉग बॉक्स को ऑपरेट करना। जैसे कि डायलॉग बॉक्स है अपने पास, जैसे Ctrl+1 के जरिए आता है एक, तो ये वाला हमारा नंबर पे इस एरो पे भी क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा फॉर्मेट सेल आता है, डेटा वैलिडेशन के लिए आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आता है, तो इनको डायलॉग बॉक्सेस कहा जाता है, ये जो पॉपअप फॉर्म बन के आते हैं। तो डायलॉग बॉक्स को अगर आपको ऑपरेट करना है तो इसके लिए कुछ अलग तरह के शॉर्टकट्स यूज होते हैं। जैसे कि आपको इसमें टैब नेविगेशन करनी है, मतलब अलाइनमेंट पे जाना है, फॉन्ट पे जाना है, बॉर्डर पे जाना है, तो इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और Tab 1x1 प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर रिवर्स ऑर्डर में आना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा लेंगे और Tab 1x1 प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर वैसे ऑप्शंस में नेविगेट करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, टैब,
तो ये एक करके वन बाय वन ऑप्शंस पे जाता रहता है। ठीक है जी, टैब यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं इसमें, ये ऑप्शंस को ऑपरेट करने में। अब देख रहे होंगे कि हर एक ऑप्शन के नीचे एक अंडरलाइन लगी हुई है किसी ना किसी कैरेक्टर में। जैसे हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो एच के नीचे अंडरलाइन, वर्टिकल में बी के नीचे है, श्रिंक टू फिट में के नीचे अंडरलाइन है। तो ये अंडरलाइन कैरेक्टर का मतलब होता है कि ये इनका शॉर्टकट यही है। पर इनको एक्सेस कैसे करते हैं, पहले जो मैंने बताया उसमें ऑल्ट की को एक बार प्रेस करके छोड़ देना था, फिर कीवर्ड्स दबाने थे। इनमें क्या है कि ऑल्ट की आपको दबा के रखना है, जैसे कंट्रोल वन कंट्रोल बी कंट्रोल सी करते हैं ना, उसी तरह ऑल्ट दबा के रखना है और वो अंडरलाइन कैरेक्टर प्रेस करना है। जैसे मुझे करना है रैप टेक्स, तो मैं ऑल्ट दबा के रखते हुए डब्ल्यू प्रेस करूँ तो रैप टेक्स एक्टिवेट हो गया। अब मान लीजिए हॉरिजेंटल में जाना है तो ऑल्ट दबा के रखते हुए एच प्रेस करूंगा, अब मेरे पास लिस्ट खुल गई। ठीक है जी, उस ऑप्शन में चला गया। अब लिस्ट ऑपरेशन के इस तरह का लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स होता है, इनको कैसे ऑपरेट करते हैं, इनमें या तो आप एरो की से अप डाउन कर सकते हैं, या ये जो ऑप्शन है उसका फर्स्ट कैरेक्टर दबाइए। जैसे कि राइट में आर, राइट में जाना है तो आर फर्स्ट कैरेक्टर है तो आर दबाया आपने, खाली सिलेक्ट कर लिया। सेंटर के लिए सी दबाया। अब जैसे सेंटर सी के नाम से दो ऑप्शन है तो इसमें स्विच करेगा बीच में। ठीक है जी, एक दूसरे पे स्विच करेगा जब आप सी बार बार दबाएंगे, तो इससे कोई भी चूज करना है, फिर इसमें सिलेक्शन करना है तो एंटर दबाना है, ये आपका काम हो गया इसमें। ठीक है जी, देन अब हमें प्रेस करना है ऑप्शन अप्लाई करने के बाद ओके का बटन, तो ओके का बटन प्रेस करना है तो इसमें हमें हमारे पास कुछ ग्रीन एरिया शो कर रहा है, जिस ग्रीन एरिया का मतलब है कि ये बटन एंटर पे एक्टिवेटेड है। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ओके ही प्रेस होगा। ठीक है जी, तो ये सब ऑप्शन जो है इसमें अप्लाई हो जाएंगे। बाकी अगर कैंसिल करना होता है तो हम जनरली एस्केप की दबाते हैं, ESC एस्केप की। ठीक है जी, तो इस तरह से डायलॉग बॉक्सेस को ऑपरेट किया जा सकता है। अब जैसे आपका प्रिंट प्रीव्यू का है, प्रिंट प्रीव्यू कहाँ होता है 2007 में, आपका ऑफिस बटन है, फिर आप ये प्रिंट में जाते हैं, ये वाला बटन होता है अपना, फिर उसके बाद ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन खुल जाता है, एक अलग से टैब है। तो इसमें जाने के लिए वही है ऑल्ट एफ, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू वी ऑल्ट एफ डब्ल्यू वी, देन आपको पेज सेटअप का डायलॉग खोलना है तो ऑल्ट दबा के छोड़ दिया, पी एस पी। अब मुझे लैंडस्केप करना है तो ऑल्ट एल, फिट टू वन ऑल्ट एफ, ओके करना है एंटर। ठीक है जी, एस्केप से बाहर। इसी तरह से पेज ब्रेक प्रीव्यू जो जाते हैं ऑल्ट एफ वी, हाँ, और ऑल्ट वी पी, ऑल्ट वी पी पेज ब्रेक प्रीव्यू, वी एन नॉर्मल। अब ये जो शॉर्टकट मैंने यूज की है 2003 में चलते थे, कुछ 2003 के शॉर्टकट भी इसमें चल रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम शॉर्टकट्स को नेविगेट करते हैं इसके अंदर पूरे एक्सेल में। अब आपको चाहिए कि एक लिस्ट मिल जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, कि शॉर्टकट के जो ऐसे कंट्रोल वाले शॉर्टकट्स हैं वो एक लिस्ट के थ्रू मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, F1 दबाइए हेल्प का लिए जो होता है, और इसमें शॉर्टकट टाइप कर देंगे, यहां पे आ जाएगा आपका एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की। ठीक है जी, अब इसमें आपको कंट्रोल की वाले शॉर्टकट्स की लिस्ट मिल जाती है पूरी, कंट्रोल की से कैसे कैसे शॉर्टकट्स करते हैं, फिर कुछ फंक्शन की के थ्रू क्या क्या होता है, और अदर यूजफुल शॉर्टकट्स, एरो की से कंट्रोल एरो की, शिफ्ट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट एरो की। तो ये इस तरह के आपके शॉर्टकट्स आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। ठीक है जी, यही सेम चीज विंडोज पे भी अप्लाई होती है। जैसे हमारी विंडो जब हमने कंप्यूटर सीखा था तब से बहुत चेंज हुई है, तो इसके अंदर भी आप डेस्कटॉप पे आके F1 दबा के वो लिस्ट निकाल सकते हैं।
कीबोर्ड शॉर्टकट कर। कीबोर्ड शॉर्टकट अब यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कीज ऑफ एक्सेस शॉर्टकट किस किस तरह के हैं, किस लिए होते हैं। जनरल शॉर्टकट्स जो है वो आपके लोगों की से भी हैं। डायलॉग बॉक्सेस के जो मैंने डायलॉग बॉक्स के अभी आपको बताए, कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, ऑल्ट अंडरलाइन कैरेक्टर, ओके। तो इस तरह के आपके पूरी शॉर्टकट लिस्ट है विंडो लोगो की से। मोस्टली लोग विंडो डी ही जानते हैं, डिस्प्ले डेस्कटॉप के लिए। तो बहुत सारी शॉर्टकट्स की लिस्ट है अपने पास, इससे भी एक बार अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं एक्सेल में हम लोग ट्रबल शूट करना पड़ता है कई बार चीजों को, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती है एक्सेल में। अब उसको कैसे ठीक करना है या क्या होता है उसको अब हम समझेंगे, ठीक है जी। अब जैसे ऑफिस बटन में गए और यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस है। एक्सेल की सारी प्रॉब्लम्स का इलाज जो है इसी एक्सेल ऑप्शन के अंदर होता है, ठीक है जी। एक्सेल ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने कुछ टाइटल्स दिखाएगा, कुछ टैब्स दिखाएगा। तो सबसे फर्स्ट है पॉपुलर टैब। अब एक चीज पर ध्यान ले जाना चाहूंगा, जब मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ और मुझे यहीं पे बॉल्ड डिटेलिंग या फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास ये मिनी टूल बार आती है, ठीक है जी। बहुत से लोग यूज नहीं करते पर जो करते हैं उनके लिए बता। कई बार क्या होता है कि अपीयर नहीं होती, तो इसका ऑप्शन क्या होता है आपके पॉपुलर में सबसे पहला ऑप्शन ही है ये। अगर ये अनचेक होता है, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, अगर ये अनचेक होता है तो आप टेक्स्ट टाइप करके अगर वो कुछ भी करते हैं तो वो नहीं अपीयर होता। तो इसको आप एक्सेल ऑप्शन में पॉपुलर के अंदर शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन में से चेक कर सकते हैं, वो आ जाएगा। दूसरी चीज, जब हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं जैसे सेल कलर या फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो अभी मैंने किसी कलर पे क्लिक किया नहीं है पर ये मुझे ऑप्शन दिखा रहा है कि कलर होने के बाद कैसा रहेगा। मैं जस्ट अपना माउस मूव कर रहा हूं, तो इस चीज को कहते हैं लाइव प्रीव्यू। ये जो हो रहा है आपका लाइव प्रीव्यू है, ठीक है जी। कई बार ये लाइव प्रीव्यू होता नहीं है तो ये क्या होता है, ये वाला ऑप्शन अनचेक होता है, इनेबल लाइव प्रीव्यू वाला। तो जब आप इस पे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसको भी यहां से ऑन कर सकते हैं। दूसरा, वीबीए प्रोग्रामिंग, मैक्रो प्रोग्रामिंग के लिए हमें डेवलपर टूल बार की जरूरत पड़ती है। बाय डिफॉल्ट ये आपके सिस्टम में ऑन नहीं होती है, मेरे सिस्टम में ऑन है। तो इसको ऑन कैसे करना है, आपने एक्सेल ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे शो डेवलपर टैब इन रिबन है, इस पे चेक कर देना है, आपकी डेवलपर टूल बार आ जाती है, ठीक है जी। 2010 में और 13 में ये ऑप्शन जो होता है वो एडवांस टैब के अंदर होता है, इसके एडवांस के अंदर होता है, ठीक है जी। 2007 में ये पॉपुलर के अंदर होता है। दूसरा, मेरी एक्सेल की थीम आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ब्लैक कलर का एक्सेल है मेरा, ब्लैक थीम आ गई। तो तीन तरह की थीम होती है, ब्लैक, सिल्वर, ब्लू। तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैं ब्लू चूज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरा एक्सेल ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू थीम, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने दिखाया कि आपको कि आप माउस ले जाएं तो एक स्क्रीन टिप आती है जिसके अंदर आपको शॉर्टकट दिखाता है, ठीक है जी। उसके ऑप्शन के बारे में बताता है कि ये क्या क्या करता है, ठीक है जी, पूरी सी डिस्क्रिप्शन आती है। तो कई बार ये अपीयर नहीं होता तो इसका ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन टिप स्टाइल, जिसके अंदर आपके तीन तरह के ऑप्शन है, शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप एंड डोंट शो स्क्रीन टिप, ओके। तो ये तीन तरह के ऑप्शन होते हैं इसकी सेटिंग। उसके बाद आपने देखा होगा कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो शीट है वो दो है और जो फॉन्ट है मेरा, फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल है और फॉन्ट साइज मेरा 12 है, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कैलिब्री 11 करके होता है, तो इसको आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। एक बार मेरे पास एक आदमी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारा काम हिंदी में होता है तो हमें बार बार फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, कहां से करें। ये पॉपुलर टैब के अंदर होता है, आप यहाँ पे जो फॉन्ट दे देंगे इधर वो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट हो जाएगा,
क्या लिखे, क्या एल्गोरिथम। तो जैसे मैंने यहाँ सेट कर रखा है, आप अपना व्यू भी सेट कर सकते हैं, पेज व्यू चाहिए, पेज लेआउट व्यू और नॉर्मल व्यू। ओके, कितनी शीट चाहिए स्टार्टिंग में आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तीन ही हो, आप एक से लेकर 255 तक शीट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे 5 शीट्स की जरूरत है, जब मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा तो यहाँ 5 शीट्स आएगा। ओके, न्यू शीट जब भी ऐड करूंगा, न्यू वर्कबुक, तो 5 शीट आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं अपने एक्सेल की। आगे देखते हैं कि अब मान लीजिए आप जनवरी फरवरी जो है ये ड्रैग कर सकते हो। ठीक है जी, संडे मंडे जो है ये भी ड्रैग कर सकते हैं, पर क्या किसी का नाम ऐसे लिख के ड्रैग कर सकते हैं? सिटी लिख के ड्रैग कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि ये जो संडे मंडे या जनवरी फरवरी जो भी होता है, ये कहीं ना कहीं एक्सेल में स्टोर रहता है, वो समय उसे स्टोरेज पॉइंट का पता होना चाहिए। तो हम अपनी कस्टम लिस्ट भी डाल सकते हैं, जो भी लिस्ट हम चाहें। तो इस ऑप्शन को कहते हैं कस्टम लिस्ट, पॉपुलर के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट है आपका। ठीक है जी, ये भी आपका एडवांस में होता है, 2013 में एडवांस के अंदर डेवलपर टैब वाला आपका था, इसके अंदर कस्टमाइज के अंदर है 2010 और 2013 एडवांस में नहीं है, क्योंकि कस्टमाइज के अंदर जहां ये रिबन से है उसमें आ जाता है इधर पे। चल अब चलते हैं फॉर्मूला पे ना, पहले कस्टम लिस्ट को देख लेते हैं। कस्टम लिस्ट में क्या है कि ये डिफॉल्ट एंट्रीज आपकी पड़ी हुई है संडे मंडे की, जनवरी फरवरी की। उसके बाद जो मैंने एंट्रीज ऐड की है वो ये है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे न्यू लिस्ट करके या तो टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी, और या तो इनको आप कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये है, यहां से करके इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके करके बाहर जाएंगे तो इनमें से कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे आपका वहां पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं लिस्ट ऐड करके दिखाता हूं आपको कि कैसे करेंगे, राइस, शुगर, वीट, टी, चार प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूं। तो हम जाएंगे एक्सेल ऑप्शंस में, एडिट कस्टम लिस्ट, यहां से इंपोर्ट पे सिलेक्ट करके ये करेंगे, क्लिक करेंगे, यहां इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ गया लिस्ट, ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। तब मैं इनमें से कोई भी चीज डालूंगा तो उसको मैं पूरी लिस्ट को ड्रैग करके एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये मेरे को डाटा बनाना होता है, आप लोगों को एग्जांपल दिखाने होते हैं, तो मैं मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लेना होता है इसमें। जैसे नेम, सिटी, प्रोडक्ट, इस तरह का डाटा बनाना है मेरे। मैं क्या करता हूँ, कोई भी इस तरह से बनाया और ड्रैग कर दिया, कितना लंबा डेटा चाहिए मुझे, अपने आप डेटा मिल गया। उसके बाद सेल्स वगैरह की जो फिगर होती है वो मैं डाल सकता हूँ, सेल्स क्वांटिटी। यहाँ मेरा रैंड बिटवीन का फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, इसमें रैंडम वैल्यूज ले लेता है मेरी गिवन वैल्यूज के बीच में, तो रैंडम वैल्यूज में ले ली। ठीक है, तो मेरा डेटा जो है बहुत क्विकली बन जाता है सैंपल डेटा दिखाने के लिए। इसके बाद आप चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला जो हम लगाते हैं उनकी कुछ सेटिंग होती है। ठीक है जी, एक चीज आप जब देखेंगे कि जब हम कैलकुलेट करते हैं कोई चीज, जैसे कि एक फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ सम का। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरा सम का फॉर्मूला लगा हुआ, जब भी हम देखते हैं कि इसमें कुछ भी चेंजेस आता है तो नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो अपडेट हो जाता है। तो एक्सेल के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशन सेटिंग होती है। कैलकुलेशन सेटिंग जो होती है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होती है,
कई बार क्या होता है इन फॉर्मूला में ये मैनुअल पे सेट हो जाती है, ठीक है जी। अब आप कितना भी नंबर बढ़ाते रहे या घटाते रहे कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको यहाँ, क्योंकि वो मैनुअल पे सेट है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है फॉर्मूला में ऑटोमेटिक पे सेट होता है, ठीक है जी। ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल, डेटा टेबल एक तरह की टेबल है जो हम लोग एक्सेल में बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। तो इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, मतलब डेटा टेबल छोड़ के बाकी सबके लिए ऑटोमेटिक मोड। ठीक है, तो इस तरह से हम अब हमने जैसे चेंज किया ऑटोमेटिक से, तो देख सकते हैं डायनेमिक चेंजेस यहाँ पे, ठीक है जी। एक और चीज होती है, कई बार क्या होता है कि हमें एक तरह की एरर आती है, जैसे नीचे वाली सेल में मैं कहता हूँ कि 10 जोड़ दे, ठीक है जी। तो नीचे वाली सेल में मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ कि ऊपर वाले में 10 जोड़ दे, ठीक है जी। अब क्या हो गया कि ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, इस केस में कौन सी एरर आती है, सर्कुलर रेफरेंस, ठीक है जी। अब सर्कुलर रेफरेंस जो होते हैं आपका एक्सेल बाय डिफॉल्ट, इसमें सर्कुलर रेफरेंस जो है चलता नहीं है, बट कई साइंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं और इसको यहां से इनेबल किया जाता है, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस। तो उस केस में ये चलेगा, ठीक है जी। इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डिफरेंस क्या होता है कि हमने ऊपर वाले में दिया था कि नीचे वाले में 10 जोड़ दे, जहां नीचे वाले में कोई वैल्यू ही नहीं थी, नीचे वालों में दे दिया मैंने ऊपर वाले में 10 जोड़ दे। अब पहला वाला रेफरेंस जो है दूसरे रेफरेंस में 10 जोड़ने की बात कर रहा है जब वहां कुछ नहीं है, दूसरा वाला भी सेम कर रहा है, तो जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये आपस में चले कहां, ठीक है जी। मतलब ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो फार्मूला कैलकुलेट ही करता रहेगा, इसीलिए इसको सर्कुलर रेफरेंस कहा जाता है। और सर्कुलर रेफरेंस की जब बात होती है तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मैक्सिमम इटरेशंस, मतलब अगर सर्कुलर रेफरेंस चले तो कितनी बार चले। तो मैंने जो अभी चलाया था वो 100 बार चलाया था, अब मैं 50 बार चलाता हूँ तो उसकी वैल्यू आपको डिफरेंट है। तो यहाँ से आप उनकी सेटिंग कर सकते हैं इटरेटिव कैलकुलेशंस। दूसरा, एक्सेल में जो हम रेफरेंस करते हैं, मतलब जैसे इक्वल टू लिख के किसी सेल को रेफरेंस देना होता है तो हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे A3 जैसे लिखा हुआ है, A3 को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये A3 क्या है आपका, A कॉलम है और थर्ड रो है, ठीक है जी। A कॉलम है और थर्ड रो है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, क्योंकि मैं किसी भी कॉलम पे जाऊं और इक्वल टू A3 लिखूं तो A3 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है इसी सेल की, मतलब A3 जहां भी लिख रहा हूं उसका मतलब है A3। इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बोलते हैं क्योंकि किसी भी सेल में हमारा रेफरेंस चेंज नहीं होता, वो वही का वही रहता, एड्रेस वही रहता। दूसरी तरह की रेफरेंसिंग यूज होती है जो कि आप VBA में देखेंगे मैक्रोज में, R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इसका मतलब है Row 1 Column 1 रेफरेंस स्टाइल। तो जो मैंने A3 से टैब किए थे उनको देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा R-9C-5, ठीक है जी। इसको दूसरा R-9C-10, तो दोनों अलग अलग है सेम सेल के लिए, इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसमें फर्क क्या है दोनों में, उसमें आपका ABCD आता है कॉलम्स के लिए, इसमें आपको 1 2 3 4 रहता है। रिलेटिव रेफरेंस जब भी हम रेफरेंस करते हैं उस सेल से रिलेशन लेता है जहां पे वो कॉल किया गया है। मान लीजिए इस सेल में मैं कोई रेफरेंस लगा रहा हूँ तो इस सेल से वो कितना दूर है इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने क्लिक किया R2C3, अब देखिए मैं इसको मूव करता जाता हूँ और इसका देखते जाइए, अगर मैं सेम सेल पे लिखता हूँ तो RC खाली लिखा हुआ था, जिसका मतलब R0 Row 0 Column 0, एक कॉलम आगे जाता हूं तो Row 0 Column 1, मतलब सेम रो है पर कॉलम एक बढ़ गया है। इसी तरह से कॉलम 2 3 4
अब जब मैं रो में इंक्रीमेंट करूंगा तो आर वन टू थ्री इस तरह से बढ़ेगा। अब इसकी पोजीशन से जब मैं माइनस में जाने लगता हूँ, मान लीजिए माइनस कॉलम में जाने लगता हूँ, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दिखाता है, और ऊपर की तरफ रो में जाने लगता हूँ तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरह से दिखाता है। तो इसका मतलब है कि जो रेफरेंस में कॉल कर रहा हूँ वो यहां से माइनस नाइन रो ऊपर है और माइनस फाइव कॉलम्स पीछे है, तो ये पॉइंट कर रहा है। और अगर यहां पे देखें तो माइनस रो तो सेम ही है क्योंकि सेम उसमें लिखा है, माइनस नाइन रो पीछे और माइनस टेन कॉलम पीछे, ठीक है जी। तो ये रिलेटिव रेफरेंस है जिसका आप वीबीए में यूज करेंगे। बाई चांस गड़बड़ी से ऐसा हो जाए तो फॉर्मूला के अंदर आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल को अनचेक कर दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद कई बार हम क्या करते हैं, किसी नंबर्स को हमें टेक्स्ट में लिखना होता है, कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम चेक नंबर्स डालते हैं तो 001235 ऐसे चेक नंबर है हमारा, पर जब हम एंटर करते हैं तो ये जीरो तो आ नहीं रहा, तो जीरो लाने के लिए क्या लगाते हैं, हम एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, ठीक है जी, कोटेशन मार्क लगाते हैं। उसके बाद हम जीरो टाइप कर सकते हैं, बट इसमें एक एरर दिखाता है यहाँ पे, बैकग्राउंड एरर ग्रीन कलर का वो, और इस पे जब आप डिटेल में जाएंगे तो ये बताएगा कि नंबर स्टोर्ड है एज टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर, कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली ये होता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, और एरर के रूल्स क्या है, मतलब क्या एरर कैसे पता पड़ेगा, तो ये एरर के रूल है, और जिसके भी आप पे हमें जो एरर दिखा रहा था वो टेक्स्ट नंबर फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रोसीडेड बाय एन अपोस्ट्रोफ, तो इस तरह से हमें एरर दिखाता है। मान लीजिए मुझे इस पे कभी नहीं चेक लगाना तो इसको मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, आप उसको इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं प्रूफिंग में क्या होता है कि कई बार जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक गलत स्पेलिंग लिखता हूँ, और यहाँ पे गलत स्पेलिंग मैं कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ, ठीक है। तो जब मैं F7 दबाता हूँ तो ये स्पेल चेक करता है, अब मुझे इसका तो सजेशन दे दिया इसने, तो मैंने चेंज किया, बट नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं आया मेरे पास, इसको सही करने का कोई ऑप्शन नहीं आया। तो ये इसका ऑप्शन जो होता है हमारे पास, ये प्रूफिंग के अंदर होता है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट ये चेक होता है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, मतलब अपर केस वाले वर्ड्स को इग्नोर कर देता है। आप चाहते हैं कि अपर केस में भी जो अपना स्पेल चेक हो तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अब मैं F7 दबाऊंगा तो मेरे पास ये कैपिटल वाले भी है, ठीक है जी। बाकी जो भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करते समय इनको जैसे थे वैसा कर दीजिए, अदरवाइज चाहे कि एक्सेल में आप अगर भूल गए तो फिर वो दिक्कत बनी रहेगी। एक और चीज देखते हैं कि कई बार हम कॉपीराइट टाइप करते हैं, सी टाइप करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो कई बार क्या होता है वो कॉपीराइट के सिंबल में चेंज हो जाता है। तो मैंने ये ठीक कर रखा है, मैं दिखाता हूँ कि कैसे चेंज होता है। जैसे मैं टीएम लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये ट्रेडमार्क के सिंबल में चेंज हो गया। तो इस तरह से कई सिंबल्स बहुत परेशान करते हैं जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है जी। आपको लिखना है ब्रैकेट में टीएम बट वो कन्वर्ट हो जा रहा है, आप इस तरह से लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास प्रूफिंग के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन होता है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, और इसी के नीचे ही आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। जैसे टीएम में टाइप कर रहा था तो किसके साथ चेंज हो रहा था वही है, तो कुछ भी गलत लिखते हैं तो यहाँ पे लिस्ट है कि रिप्लेस इसको, इसको रिप्लेस करो इसके साथ ऑटोमेटिक।
अब चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं, रिप्लेस एज यू टाइप को अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अब आप ये लेटर लिख पाएंगे। कॉपीराइट और रजिस्टर्ड के सिंबल में भी ऐसा होता है, मतलब ब्रैकेट में सी पैकेट पे आर जो करते हैं उसमें। तो हमने ये तो कर लिया, पर एक और चीज है जो हम अब इन्होंने कोई ऑप्शन दे रखा है तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं अपने तरीके से। हम इस डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं चीजों। तो जैसे मैं एक अलियास देता हूं SSI और इसको चेंज कर देता हूं सीमा सिंगल से, ठीक है जी, और रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप को कर देता हूं और इसमें ऐड कर देता हूं। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जब भी आपको कुछ भी करना है SSI टाइप किया या आपका नाम आ गया, SS खाली टाइप करता हूं मेरा नाम आ गया, ठीक है जी। अपना कंपनी के छोटे से हम इस लिस्ट में ऐड करा सकते हैं कि थोड़ा सा एलियास दिया और आ गया अपना, ठीक है जी। आगे देखते हैं इसमें। कई बार क्या होता है कि हम जब ईमेल आईडी टाइप करते हैं, जैसे कि कोई भी @gmail.com इस तरह से टाइप करते हैं, तो ये हाइपरलिंक में चेंज हो जाता है। तो हाइपरलिंक में अब मैं यहाँ एडिट करने जाऊं यार, यहाँ मेल खुल जाता है कुछ ना कुछ, या वेब लिंक खुल जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्जन ना हो, या हाइपरलिंक में कन्वर्जन ना हो, तो इसका ऑप्शन भी आपको प्रूफिंग के अंदर मिल जाता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में दूसरा टैब है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इसके अंदर पहला ऑप्शन है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आप कोई भी जो एड्रेस लिखेंगे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें एडिटिंग कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। खाली टाइप करते हुए सब चेंज होते हैं, तो अगर एक बार लग गया है तो उसका कोई तरीका नहीं कि इसको हटाया जाए, ठीक है जी। लगने से पहले हम इस चीज को कर सकते हैं। देन उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, सेव एज पे जाता हूं, तो फाइल को सेव एज करना चाहता हूं। तो आप देखेंगे कि मेरे एक डिफॉल्ट लोकेशन दिखा रहा है ये एक्सेल क्लास डी ड्राइव में, ठीक है जी। सेव एज टाइप में मेरे को दिखा रहा है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एक्सेल वर्कबुक का होता है 97-2003 का फॉर्मेट होता है, सेव का फॉर्मेट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कर रखा है। तो डिफॉल्ट कैसे करते हैं इस चीज को, जैसे आपको डेस्कटॉप पे ही सेव करनी है सारी फाइल, तो कैसे करते हैं सेव एज के ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन में जाके सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिफॉल्ट अपना फाइल टाइप चूज कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद डिफॉल्ट फाइल लोकेशन है जो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप चाहिए, तो मैं यहां से चला गया अपना डेस्कटॉप में, सी में कहा होता है अपना डेस्कटॉप, यूजर्स के अंदर, संदीप के अंदर डेस्कटॉप, तो ये पाथ चाहिए होता है। इसको क्लिक करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा और इसको एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल लोकेशन में पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो जब मैं F12 दबाऊंगा तो ये मेरा डेस्कटॉप पे आ रहा है, ठीक है जी। तो इसकी डिफॉल्ट फाइल लोकेशन आप लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा इसमें होता है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एंड एवरी 10 मिनट्स। एक्सेल 2007 से पहले क्या होता था कि एक्सेल की फाइल बार 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 सेव करनी पड़ती थी, कंट्रोल एस दबाते हाथ हमारे रहते कंप्यूटर बंद ना हो जाए, डाटा हो जाए। तो इसमें ये ऑप्शन आया है कि ये 10 मिनट में अपने आप ही सेव करता रहता है फाइल को। तो जब भी आपका सिस्टम कभी अनएक्सपेक्टेड शटडाउन होता है तो वो ओपन होता है एक्सेल, तो राइट साइड में उसके एक पेन आता है कि डू यू वॉन्ट टू रिकवर दिस फाइल, यहाँ पे लिस्ट सी आ जाती है, रिकवर करते हैं तो वो फाइल आ जाती है वहां तक काम जहां तक आपने किया था। तो ये इसलिए क्योंकि आप इसको सेव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो लोकेशन होती है वो ये होती है जहां पे आपकी फाइलें पड़ी होती है इस तरह की।
बट जब आप उसको हटा देते हैं तो वो फाइल भी रिमूव कर देता है। आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, यू वांट टू रिकवर दिस फाइल और रिमूव दिस फाइल, तो फाइल डिलीट हो जाती है। बट 2010 और 13 में वो फाइलें सेव होती हैं, आपको फाइलें मिल जाती हैं। कई बार ऐसी फाइलें भी सेव होती हैं जो जिनको आपने सेव कभी किया ही नहीं, जैसे कि आपने 10 मिनट से ज़्यादा किसी पे काम किया, बॉस को फॉर्मेट करके दिखा दिया, बॉस ने कह दिया चेंज करके लाओ, तो आपको फिर से बनाना पड़ रहा है उसका। तो आप उसकी लोकेशन में जाके देख सकते हैं, आपको वो फाइल मिल सकती है विदाउट सेव की हुई फाइल। और क्या होता है कि कई बार हम ऐसी फाइल यूज कर रहे हैं जिसकी जो बहुत हैवी है, उसको खुलने में बहुत समय लग रहा है, और उसके बाद अपना ये ऑटो रिकवर भी ऑन है, 10-10 मिनट में सेव भी कर रहा है, तो सेविंग में भी टाइम ले रही है। क्या होता है कि एक्सेल हैंग सा हो जाता है बड़ी फाइल। तो उस केस में क्या करना है, दो ऑप्शन है। पहली चीज, आप इसको डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली, मतलब किसी भी ओपन वर्कबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑटो रिकवर उतने टाइम के लिए बदल जाएगा। दूसरा, कैलकुलेशन को मैनुअल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादातर कैलकुलेशन की वजह से लेता है, ज़्यादा फॉर्मूले होते कैलकुलेट करने में टाइम लगाता है इसलिए। तो ये दो ऑप्शन से आप उसको फास्ट बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एडवांस में। अब देखिए, जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर कहाँ जाता है, डाउन में जाता है। तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन है कि आप डायरेक्शन कौन सी चूज करें वहाँ चला जाएगा। अगर मैं इसको अप में सेट कर दूँ और ओके कर दूँ, तो जब मैं इसमें एंटर प्रेस करूँगा तो ये अप में जाना शुरू होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्शन की सेटिंग कर सकते हैं एडवांस में जाके इधर। कई बार क्या होता है, हम काम अकाउंट्स में जो है डेसिमल प्लेसेस में काम करते हैं, जैसे 10.123 कुछ इस तरह से, तो आप चाहते हैं कि ये पॉइंट ना लगाना पड़े, खाली नंबर लिखने पॉइंट अपने आप लगा दे, तो एक ऑप्शन इस तरह का अवेलेबल होता है अपने पास एडवांस के अंदर, ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट। कितने बाद आना चाहिए आप चूज कर सकते हैं, कितने प्लेस चाहिए, जैसे 2 लिखा हुआ है, तो मैं 10.24 करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा 1024, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार ये ऑप्शन गलती से ऑन हो जाता है, तो इसको यहाँ से सही कर सकते हैं कि आप नंबर लिख रहे हैं और वो डेसिमल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इस ऑप्शन को यहाँ से किया जा सकता है। दूसरी चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि हम ड्रैग करना चाहते हैं, ड्रैगिंग ऑप्शन बता दिया, तो ड्रैगिंग के लिए ब्लैक डॉट आता है, जैसे कि मैंने कोई भी जनवरी फरवरी लिखा, तो यहाँ पे जब तक वो ब्लैक डॉट नहीं आएगा तो मैं ड्रैग करूंगा कैसे, गायब हो जाता है। पहले जो इनकम टैक्स के रिटर्न के मैक्रो आते थे, उनमें एक ऐसा फीचर था जो इसको हटा देते। तो इसको ऑन कहाँ से करना है, एक्सेल ऑप्शंस में जाके, हम लोग एडवांस में जाके, थर्ड ऑप्शन नहीं है, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके करेंगे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो है एडवांस के अंदर है, बाकी मेन मेन मैंने बता दी, बाकी सब छोटे मोटे हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ग्रिड लाइन कलर का है, गेट का है, यूज 904 गेट सिस्टम, अभी क्या है 2015 का सिस्टम चल रहा है, हम खाली गेट डालते हैं और 15 डाल देते हैं पीछे, वो 2015 ले लेते हैं, और आपको पिछली वाली डेटें यूज करनी है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि भी इसी तरह के कुछ ऑप्शन इसमें दिए हुए। एक और चीज देखते हैं, ये जो हमारे पास छोटी सी बार है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ एक बटन है जिसके अंदर आपके थोड़े से ऑप्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली होता है शॉर्टकट सेट करने के लिए, आप जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, अगर माउस ज्यादा यूज कर सकते हैं तो करते हैं, तो 2-3 शॉर्टकट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऑप्शन बना सकते हैं। एक्सेल ऑप्शन में जाके कस्टमाइज में जाके, यहाँ पे आपके पास इधर मैंने क्या सेट कर रखा है, पेस्ट वैल्यूज का, मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए
फिल्टर, तो मैं क्या है फिल्टर पे जाऊंगा, यहां से ऑल कमांड्स ले लूंगा या वो टैब जिसके अंदर अवेलेबल है, डेटा टैब में अवेलेबल है फिल्टर, ये रहा फिल्टर, इसको ऐड कर दूंगा, फिल्टर का ऑप्शन मेरे पास आ गया, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे फिल्टर का ऑप्शन आ गया, तो बस मुझे यहाँ से ये क्लिक करना है, लग गया फिल्टर। इस तरह से मैं कुछ शॉर्टकट्स को सेट कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर। दूसरा, जब हम मैक्रो यूज करते हैं तो मैक्रो जो है उसी फाइल में यूज होता है जिस फाइल से वो रिलेटेड है। अगर आप किसी फाइल में आपने मैक्रो डिजाइन किया, आप दूसरी फाइल में उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सेल को एड इन फॉर्मेट में सेव करना होता है। एक्सेल ए फॉर्मेट होता है, एड इन फॉर्मेट जो होता है आपका, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एड इन फॉर्मेट होता है एक्सेल एड इन का, ये वाला, ठीक है, इसमें सेव करना होता है फाइल को, मैक्रो वाली फाइल को। फिर आपको उसको क्या करना होता है, एड इन के जरिए यहाँ एक्सेल एड इन गो में जाके वो फाइल ब्राउज करनी होती है। अब देखेंगे कि जैसे मेरे पास कुछ एडिंस पहले से पड़े हुए, पासवर्ड रिमूवर, इंटरनेट असिस्टेंट, इस तरह के लुकअप विजार्ड, तो कुछ मेरे पास एडिंस पड़े हुए, ब्राउज कर सकते हैं उस लोकेशन पे फाइल को, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसके मैक्रो जो आपको विजिबल होंगे वो यहाँ पे होंगे, मैक्रोज के अंदर, कस्टमाइज में मैक्रोज के अंदर जो आपके मैक्रोज होंगे वो होंगे, तो आप उन मैक्रो को ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। एडिंस में चलते हैं, एडिंस में जैसा कि मैंने बताया कि एडिंस जो है आपके पास, उसमें जाके इनको चेक अनचेक कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है जी, एड इन ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और आगे चलते हैं ट्रस्ट सेंटर, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो एक्सेल में अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैसेज बार, जब कोई भी एरर आती है तो एक मैसेज बार, पीले कलर की एक मैसेज बार एक्सेल में यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, देखिए मैक्रो इज डिसेबल्ड या कुछ भी होता है, तो वो कई बार नहीं आती है तो आपको यहाँ देखना होता है कि मैसेज बार आपकी इनेबल है कि डिसेबल है। शो द मैसेज बार इन ऑल एप्लीकेशन व्हेन द कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड, जैसे कोई किसी अदर फाइल से पाइवट लगा रखा है या अदर फाइल से डेटा आपने लिंक कर रखा है, तो उस केस में आपको ये मैसेज बार आएगी, ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पे एक बार सेटिंग देंगे। उसके बाद क्या होता है, एक्टिव एक्स, एक्टिव एक्स होते हैं आपके बटन कंट्रोल, टेक्स्ट कंट्रोल, कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, कैलेंडर कंट्रोल, ये जो एक्स्ट्रा वेब डेवलपमेंट के कंट्रोल होते हैं वो अगर नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग। दूसरा, कई बार मैक्रो नहीं चलते तो इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग की इनेबल ही रहे, मैसेज का मैंने बता दिया। एक्सटर्नल कंटेंट, इसको भी मैंने इनेबल किया हुआ है, ये भी डिसेबल होते हैं कई बार किसी और वर्कबुक से लिंक है या किसी और एसक्यूएल सर्वर से लिंक है या एक्सेस से लिंक है कहीं, तो इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर इतना ही है, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो नंबर के अंदर ये जो फॉर्मेटिंग्स होती हैं ये किस किस तरह की होती हैं ये भी, ये सब देखेंगे कि साइन सिंबल्स का क्या मतलब है, कैसे इनसे हमें वर्क करना, ठीक है जी।